बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस बेटा रिस्पॉन्स दे। कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट, अच्छा जनाब, जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं अपने बिजनेस का, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, ये बात हो रही है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट जहां से आपने रोजमर्रा क्या करनी है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, बैंक से पेमेंट्स करनी है, वहां पे पैसे आने हैं पैसे जाने हैं, तो जो हमारा डिस्कशन है वो सारा का सारा बैंक के करंट अकाउंट से बिलोंग करता है। तो ये टॉपिक, इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो करंट अकाउंट से है। अब बैंक में कितने किस्म के अकाउंट खुलते हैं? बुनियादी तौर पर बैंक में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट करंट अकाउंट होता है, दूसरा अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं बैंक उस पर आपको एक रुपया भी इंटरेस्ट नहीं पे करता, और जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। करंट अकाउंट से आप इमिडिएटली अपने पैसे निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट से आप फौरी तौर पर अपने पैसे विदड्रॉ नहीं कर सकते। उम्मीद ये सारी बातें आपकी नॉलेज में होंगी। करंट अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, अगर करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाए तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं होता। तो ये चंद बुनियादी बातें आपको अच्छी तरह से दिमाग में रख लेनी चाहिए। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए आप सब लोग। अच्छा जी, अब ये तमाम बातें समझ में आ गई अगर आपको। देखिए, अब बात यह है कि अगर बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला जा रहा है तो उसका बिजनेस में भी रिकॉर्ड मौजूद है। कैसा है? बिजनेस का बैंक अकाउंट जब खोला जाएगा तो उसका बिजनेस भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और बिजनेस अपने बैंक का रिकॉर्ड कहां मेंटेन करेगा जरा नाम लीजिएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं। वो कौन सी बुक है जहां पर आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड मौजूद होगा? कैश बुक। और कैश बुक में कौन सा कॉलम है बेटा? बैंक कॉलम है। कैश बुक में बैंक कॉलम है जो आपके बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसा है ना? अच्छा, लेकिन अब एक बात मैं और करता हूं आपसे। अगर हमारे पास, हमारे बिजनेस के पास अपने बैंक अकाउंट का कोई रिकॉर्ड ना हो, तब भी बैंक के पास तो कम से कम हमारे अकाउंट का रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? कम से कम बैंक तो हमारे बिजनेस के अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस मौजूद है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, वो बैंक अपने पास मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है अकाउंट एक है और रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले कितने लोग हैं बेटा? एक अकाउंट को रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले कितने लोग हैं? दो लोग हैं। जब दोनों का हिसाब मैच होगा कि हाँ भाई मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं और बैंक के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। और अगर सेम ना आए तो फिर कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, कि भाई क्या रीजंस हैं यार कि जो मेरा रिकॉर्ड है वो बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस कम शो कर रही,
या जो मेरा रिकॉर्ड है बैलेंस कम शो कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ज्यादा शो कर रही है, क्या कह सकते हैं इस बारे में, कुछ कह सकते हैं? ये पॉसिबल है। अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। ये बताइए, आपने गुड्स सेल की 1 लाख रुपए की, आपने क्या एंट्री पास की क्रेडिट पर? एंट्री बोलिए सब लोग जरा। आपने गुड्स बेची 1 लाख रुपए की उधार पर, क्या एंट्री पास की बताइए? डेटर डेबिट 1 लाख से, बेटा अमाउंट भी तो बताया ना, सेल्स क्रेडिट 1 लाख से, यस सर। ये एंट्री किसने पास की होगी, बायर ने या सेलर ने? और ये एंट्री किसकी बुक्स शो कर रही होंगी, ये एंट्री किसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो कर रहे होंगे, बायर के या सेलर के? सेलर के, वेरी गुड, जबरदस्त। अब ये बताइए, इसी एंट्री को बायर की बुक्स में किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा? अगर बायर ने वो गुड्स खरीदी हैं आगे बेचने के लिए, तो बायर उसकी एंट्री क्या पास करेगा? अगर हम थोड़ी देर चले जाएं खरीदने वाले की अकाउंटिंग करने के लिए, तो खरीदने वाले ने यही गुड्स खरीदी, बेचने वाले ने बेच दी, तो अब खरीदने वाले ने इसकी एंट्री क्या पास की होगी? परचेजेस या इन्वेंट्री सिस्टम, परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर या अकाउंट पेबल करेक्ट? बेटा शिराज, ये कौन सी एंट्री है यार? इन्वेंट्री खरीदने से क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। लायबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? परचेजेस डेबिट होगा, अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा, या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा, अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा बताइए? अमाउंट बताया ना मैंने अभी आपको, कितने से? 1 लाख से। ये एंट्री किसने पास की बेटा, बायर ने या सेलर ने? बायर। अब इसमें एक बात बड़ी कॉमन है, वो क्या है, जितने से सेलर की बुक में रिसीवेबल क्रिएट हुआ है एग्जैक्टली उतने से ही बायर की बुक में पेएबल क्रिएट हुआ है, यस नो, यस और नो? यानी जितना मैंने अपने कस्टमर से रिसीव करना है उतना बायर ने अपने सप्लायर को करना है, पे करना है। तो जो एक की बुक में रिसीवेबल है वो दूसरे की बुक में क्या है, लायबिलिटी है, यस और नो बोलिए, क्या ख्याल है? तो क्या एक ही ट्रांजैक्शन दो बंदों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने नजरिए से रिकॉर्ड नहीं की? एक ने उसी ट्रांजेक्शन को बतौर सेलर रिकॉर्ड किया है और दूसरे ने उसी ट्रांजेक्शन को बतौर बायर रिकॉर्ड किया, लेकिन बैलेंस तो एक जैसा क्रिएट हो रहा है ना दोनों जगह पर, कि जो एक के लिए रिसीवेबल है वो दूसरे के लिए पेएबल। तो मेरा बतौर सेलर रिसीवेबल बायर के पेएबल से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, कि भाई जितने की मैंने उससे गुड्स बेची हैं, जितने से मेरा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ है, एग्जैक्टली उसकी ऑब्लिगेशन टू पे भी उतने से क्या हुई है, एस्टेब्लिश हुई है। ये भी एक रिकंसिलिएशन है। तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, मैच कर देना, ऐसे ही हुआ ना? तो हिसाब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या कहता, कुछ बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, कैश बुक क्या है, रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस मेंटेन्ड बाय बिजनेस। कैश बुक वो रिकॉर्ड है जिसको मेंटेन कौन कर रहा है, बिजनेस मेंटेन कर रहा है। रिकॉर्ड्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस मेंटेन्ड बाय बिजनेस, बैंक से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से
जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसका बिजनेस के पास जो रिकॉर्ड है वो कैश बुक पे मौजूद है, यस और नो? रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय बैंक फॉर इट्स कस्टमर्स, कस्टमर्स अकाउंट। बैंक अपने कस्टमर्स का अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो रिकॉर्ड बैंक जब प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को तो वो किस जिस चकल में प्रोवाइड करता है उस चकल को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। कि अगर आप बैंक से पूछे बताइए मेरे अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन है तो बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, तो वो आपको एक बैंक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, उसमें आपके अकाउंट में होने वाली तमाम ट्रांजेक्शन मौजूद होंगी, आप उसको अपनी कैश बुक से मैच कर सकते हैं, यस और नो? कि क्या एग्जैक्टली बैंक स्टेटमेंट भी वही ट्रांजेक्शन शो कर रहा है जो आपकी कैश बुक शो कर रही है? क्या ख्याल है? तो अकाउंट यानी अकाउंट एक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ऐसे ही ओके। अब उसके बाद देखिए, नंबर वन, हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ओपन बैंक अकाउंट, तो जरा बताइए बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री बनाऊंगा, क्या एंट्री बनाऊंगा? बैंक डेबिट करूंगा। ये बिजनेस अपने पास एंट्री पास कर रहा है, फर्ज करें बिजनेस ने बैंक अकाउंट ओपन किया है 2 लाख रुपए से, ठीक है, बैंक डेबिट, बिल्कुल कैपिटल क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश भी हो सकता है ना बेटा, कैश कैपिटल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर घर से सीधा पैसा डिपॉजिट कर दिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में तो कैपिटल क्रेडिट, अगर बिजनेस का पैसा डिपॉजिट किया तो कैश क्रेडिट, यस और नो? सारी बातें आप जानते हैं, अब इस पर कोई बहस हमारी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री पास कर दी, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने डेबिट साइड पर 2 लाख रुपए की एंट्री पास कर दी और रेफरेंस आया कैश का ये कैपिटल का, तो उसको फौरी तौर पर पोस्ट कर दिया कैपिटल के अकाउंट में जर्नल लेजर में, और अगर कैश था तो उसको उसी कैश बुक में क्रेडिट साइड पर लिख दिया आपने, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, यस और नो? ये सारी बातें आप सीख चुके। बताइए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। अब सवाल है कि यार ये पैसे हमने बैंक को दिए हैं तो बैंक भी तो इसकी कोई एंट्री पास कर रहा होगा ना, बैंक भी तो इसकी अकाउंटिंग कर रहा होगा ना, तो कोई बताएगा आप में से बैंक इसकी अकाउंटिंग कैसे कर रहा है? हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक ने पैसे लिए, तो बैंक इसकी क्या एंट्री बनाएगा बेटा? सवाल जवाब दे। रिस्पॉन्स है, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि अगर मैं सेल कर रहा हूं तो कोई क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। बेटा बैंक भी बैंक को डेबिट करेगा, मतलब बैंक के लिए कुछ भी बैंक नहीं है, बैंक के लिए सब कुछ कैश है बेटा। आपका पैसा बैंक के पास है तो बैंक के पास किस शक्ल में है? कैश की शक्ल में है ना। ओके नाउ गुड, तो दो स्टूडेंट ने अच्छी एंट्री पास कर दी, वो क्या है? बैंक आपका दिया हुआ पैसा किसको मिला? बैंक को मिला, तो बैंक ने आपका अकाउंट डेबिट कर, बैंक ने कैश डेबिट कर दिया 2 लाख से, और बैंक ने कहा अकाउंट टाइटल जो भी आपका नाम होगा 00103 फॉर एग्जाम्पल, ये अकाउंट नंबर है, तो बैंक ने आपका अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट कर दिया, यस और नो?
रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें तो बात बनेगी। इसका मतलब क्या था कि आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो जो पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो आपके आपने बैंक से रिसीव करने हैं, तो बैंक आपके लिए क्या है? एसेट है। यस और नो, रिस्पॉन्स करें। बैंक आपके लिए एसेट हुआ ना बेटा, कि आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो ये पैसा आपने बैंक से लेना है, आप किसी वक्त भी ले सकते हैं बैंक से, तो बैंक भी एक तरह का क्या हो गया? रिसीवेबल हो गया ना। रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स करें। और आपका पैसा बैंक के पास क्या है? बतौर अमानत है, ठीक है? तो जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया वो बैंक के ऊपर क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा या लाइबिलिटी कहलाएगा? लाइबिलिटी। यानी इसका मतलब क्या है? हमारा अकाउंट जो है वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक के पास अपना पैसा नहीं है, बैंक के पास किसी और का पैसा है। तो अब एक सवाल के जवाब दें, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एसेट्स में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। यस और नो, हम जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एसेट्स में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। यस और नो, रिस्पॉन्स है। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी में क्या आ रही है? लाइबिलिटी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हम अपने रिकॉर्ड में इस इजाफे को डेबिट करके रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक अपने पास इस इजाफे को कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट करके। यस और नो, क्या कहते हैं? बात समझ में आती है या नहीं आती? रिस्पॉन्स करें, ठीक है ना? इसका मतलब जो हमारे लिए, अगर हमारे लिए हमारा बैंक अकाउंट एसेट है, तो बैंक के लिए हमारा अकाउंट जो है वो क्या है? लायबिलिटी। जिस तरह हमने गुड्स बेची तो डेटर हमारे लिए रिसीवेबल, सेलर के लिए बैलेंस रिसीवेबल है, और जिसने गुड्स खरीदी उसके लिए वही बैलेंस क्या है? पेएबल है। रिस्पॉन्स देना सब लोग, तो बात बनेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे बात समझ में आई होगी आप सबको। अच्छा जी, ओके। नंबर टू, हमने गुड्स बेची होंगी, जिन कस्टमर्स को बेची होंगी उनसे फिर हमें बाद में क्या मिला होगा? कैश, कैश मिला होगा। यस और नो, रिस्पॉन्स है। तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, ए बी सी डी, चलो बस कम बंदों को रखते हैं, टाइम थोड़ा कम है तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते। अच्छा जी, ए से मिले आपको 2 लाख रुपए, बी से मिले आपको 1.5 लाख रुपए, और सी से मिले आपको 1 लाख रुपए। तो आपने क्या किया? ये पैसे मिले और आपने क्या कर दिया? इन सब के अकाउंट को सेल्स लेजर में क्रेडिट कर दिया ना। और ये सब तो आता है ना, भूले तो नहीं है ना? ये सारे कौन है? इंडिविजुअल डेटर्स हैं। अच्छा, अब ये वाली बात पहले भी हो चुकी है, आप सब जानते हैं। ये वाली बात पहले भी हो चुकी है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना? इसमें डी को भी ले आता हूं मैं। ये वाली बात पहले भी हो चुकी है, आप सब जानते हैं कि देखें, फहीम वाली एग्जांपल अगर आपको याद हो तो फहीम से चेक मिला था, चेक मिलते ही हमने इन गुड फेथ बैंक डेबिट कर दिया था और फहीम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। अब आप सब जानते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ने के बाद कि फहीम का अकाउंट होना कहाँ चाहिए? सेल्स लेजर में। यस और नो,
अब आपको ये भी समझना होगा कि बैंक आपके अकाउंट को फौरी तौर पर क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। आपने अपने पास डेबिट कर दिया, जरा देखें आपको ओवरऑल कलेक्शन कितनी हुई, 2 लाख, 1.5 लाख, कितने होते हैं 3.5 लाख, 50,000 कितने होते हैं 4 लाख, और 1 लाख कितने होते हैं 5 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओवरऑल 5 लाख से अपने अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट किया। और वो डेबिट करने की वजह क्या थी, मतलब आपने बोला कि मुझे ए से बी से सी से और डी से पैसे मिल गए, यानी आपका उनसे चेक रिसीव कर लेना ही क्या था, इनफ था। और वो इन गुड फेथ आपने चेक रिसीव किए, ए बी सी और डी से, आप इस उम्मीद से वो चेक रिसीव कर रहे हैं कि भाई ये चेक क्लियर हो जाएंगे। रिस्पॉन्स करें, चेक की टाइप बताई थी मैंने आपको, 2 किस्म के चेक होते हैं, ओपन चेक और क्रॉस चेक। फाइम वाले डिसऑनर्ड के वक्त मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी मेरे ख्याल से शायद। तो क्रॉस चेक जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस चेक जो होता है वो क्या होता है, 2 लाइन लग जाती है उसके ऊपर, उसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइड कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि ये चेक जो है वो कैश नहीं होगा बल्कि अकाउंट टू अकाउंट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो फिर एक बैंक से दूसरे बैंक वो क्या होगा, क्लियर होने जाएगा। और क्लियरेंस में क्या लगता है बेटा, टाइम लगता है। अगर विद इन सिटी बैंक अलग अलग हो तो 1 दिन का टाइम लगेगा, और जितना फिर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। सारी बातें मैंने आपको शुरू में बताई हुई थी। बहरहाल तो ये आपके सामने है। तो आपके हिसाब से आपका अकाउंट बैलेंस कितने से बड़ा बेटा, ये बताइए मुझे, बात हमारी कहीं और निकल जाएगी, इससे बेहतर हम वापस आते हैं। आपके हिसाब से, आपके बिजनेस के रिकॉर्ड के हिसाब से आपके बैंक बैलेंस में कितना इजाफा हुआ, 5 लाख से। तो जो आपके हिसाब से इजाफा होगा वो क्या कर रहे हैं, आप डेबिट कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में। आपके नजदीक बैंक अकाउंट का बढ़ना जो है वो डेबिट है या क्रेडिट है। अगर आपका अकाउंट इंक्रीज हुआ है तो मतलब आपके एसेट्स में इजाफा हुआ है, और एसेट्स का इजाफा हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। यस और नो, रिस्पॉन्स करें। लेकिन ये पैसा जब बैंक के पास गया है, जो आपके बिहाफ पर बैंक ने कलेक्ट किया है, क्लियर किया है, वो पैसा बैंक के पास जाने से क्या होगा, बैंक की लायबिलिटी में इजाफा होगा। आपका अकाउंट जितना बैंक के पास इंक्रीज होगा उतनी बैंक की लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। यस और नो, रिस्पॉन्स दें। अच्छा अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, मामला मुख्तलिफ रख रहा हूं, जरा देखिएगा प्लीज, ठीक है। ठीक है, बैंक को क्लियर होके कितना कैश मिला आपके लिए, और वो किस किस से मिला, उसके नाम मेंशन कर। चेक फ्रॉम ए, चेक फ्रॉम बी, चेक फ्रॉम डी, ठीक है जी। और बैंक ने आपका अकाउंट क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। अकाउंट टाइटल, अच्छा जी। अब जरा देखिएगा सब लोग प्लीज,
ए से कितना चेक मिला था जो क्लियर हो गया बैंक के पास, तो बैंक के पास कैश आ चुका है 2 लाख रुपए जो कि आपके बिहाफ पर बैंक ने कलेक्ट किया है। बी से कितना चेक क्लियर हो गया मिला 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का कैश बैंक के पास आ चुका है जो कि बैंक ने आपके बिहाफ पर कलेक्ट किया है। डी से 50,000, ठीक है, और अकाउंट टाइटल टोटल कितना हो गया भाई 4 लाख। सही है बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आती है? रिस्पॉन्स। अब जो सी है, सी वाला चेक जो है वो बैंक को क्लियर हो के अब तक मिला नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आपने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सी वाला मामला जो है वो क्या है कि सी से जो बैलेंस है वो क्लियर होके बैंक को मिला नहीं, समझे बात को? यानी सी वाला मामला कहाँ है, पेंडिंग में है, बैंक उसको शो नहीं कर रहा अभी। उसकी वजह क्या हो सकती है कि अब तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ, यस और नो? अच्छा, उसके बाद जरा आप देखिए नेक्स्ट, मैं यहां पर एक ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा, बैंक एक काम और कर रहा है, आपके अकाउंट टाइटल को डेबिट कर रहा है, पचास हजार से, और जो चेक है किससे मिला है डी से, वो क्या कर रहा है बैंक क्रेडिट कर रहा है। तो जब एक बार बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद क्या करते हैं, दोबारा उसी बंदे के वजह से क्या करते हैं, डेबिट कर दे, मतलब बैंक ने डी से पैसा कलेक्ट किया, आपके अकाउंट को क्रेडिट किया, लेकिन बैंक इमीडिएटली क्या कर रहा है, आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा है और डी से कलेक्टेड अमाउंट को रिवर्स कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप बोलेंगे चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो बजाहिर बैंक आपके अकाउंट को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर बढ़ाने के बाद बैंक आपके अकाउंट को अगर फौरी तौर पर कम कर देगा तो उसका मतलब यह है कि जो डी से चेक मिला था वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। रिस्पॉन्स है सब लोग, क्या कहते हैं? आम लैंग्वेज में उसको बाउंस होना बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उसको डिसऑनर्ड चेक बोलते हैं। क्या मेरी गुफ्तगू यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? ऐसे ही है। अच्छा जी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अच्छा जी, जब नेक्स्ट पेज पे मैं गया तो उस नेक्स्ट पेज पे मैं अब मजीद ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हूँ, नंबर 3। अब अगर मैं अपने कस्टमर से पेमेंट वसूल कर रहा हूँ तो मैं अपने सप्लायर्स को चेक इशू भी तो कर रहा हूँ ना पेमेंट करने के लिए। जरा बताइए, जब मैं अपने सप्लायर को चेक इशू करूंगा तो चेक इशू करने से क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाएगा, कमी आ जाएगी? बताइए, जब मैं पेमेंट्स करूंगा तो पेमेंट्स करने से क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, कमी आएगी? तो अगर इजाफे को मैं अपने पास रिकॉर्ड में डेबिट करता हूँ अपने पास कैश बुक में, तो कमी को मैं क्या करूंगा अपने पास बैंक कॉलम में डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा। आप कैश बुक बना चुके हैं सब लोग बेटा, क्रेडिट करेंगे, जबरदस्त। अच्छा जी, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड को मैंने चेक इशू कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक्स को चेक इशू किया तो ये इसका ताल्लुक किससे है, एक्स का परचेज लेजर से, वाई का ताल्लुक किससे है, परचेज लेजर से, जेड का ताल्लुक किससे है, परचेज लेजर से। रिस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें? अस्सी हजार का चेक इशू किया आपने किसको, एक्स को, तो आपने उसका अकाउंट डेबिट कर दिया परचेज लेजर में, लाइबिलिटी कम हो गई आपकी। वाई को आपने 70,000 का चेक इशू किया, उसके अकाउंट को आपने क्या कर दिया बेटा, क्या कहते हैं, डेबिट कर दिया,
और जेड का आपको आपने चेक इश्यू किया कितने का, 50,000 का, तो उसका अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। और टोटल बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट कर दिया। तो अब होता क्या, जब आप चेक साइन कर लेते हो और चेक साइन करके आप इनको इशू कर देते हो एक्स वाई और जेड को, तो आप चेक साइन करते ही और इशू करते ही अपने पास एंट्री बना लेते हो। लेकिन प्रैक्टिकली जरा सोचिए, बैंक इन पेमेंट्स की वजह से आपके अकाउंट को कम कब करेगा, जब एक्स वाई और जेड बैंक पहुंचेंगे या अपने बैंक के जरिए इन चेक्स को क्लियर करवाएंगे। यस और भाई, बैंक को थोड़ी पता है कि आपने चेक साइन कर दिया है, बैंक को थोड़ी पता है कि आपने एक्स वाई और जेड को पेमेंट कर दी है। बैंक तो आपके अकाउंट को कम उस वक्त करेगा जब ये लोग बैंक तक अपने चेक्स को क्लियर होने के लिए पहुंचाएंगे। यस और नो, क्या कहते हैं इस बात को आप, रिस्पॉन्स? अच्छा जी, अब आप देखिए यहां पर कि अब ये बताइए, इन पेमेंट्स की वजह से आपके बैंक अकाउंट में क्या आएगी, कमी आएगी, इजाफा होगा, और बैंक आपके अकाउंट की कमी कैसे रिकॉर्ड करेगा, डेबिट करके क्रेडिट करके। अगर बैंक आपके अकाउंट को बढ़ा रहा था क्रेडिट करके, तो इट मींस आपके अकाउंट बढ़ने से बैंक की लायबिलिटी में इजाफा हो रहा था। जब आपका अकाउंट कम होगा तो आपके अकाउंट कम होने से बैंक की लायबिलिटी में क्या आएगी, कमी आएगी। तो बैंक इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, डेबिट करके क्रेडिट करके, डेबिट करके, अकाउंट टाइटल डेबिट। जबरदस्त, बेहतरीन। तो बैंक ने क्या किया, अकाउंट टाइटल डेबिट कर दिया आपका, ठीक है जी। और पेमेंट की किसको, एक्स को, पेमेंट की किसको, जेड को। एक्स को कितनी पेमेंट की, 80,000। जेड को कितने की, यानी बैंक के पास से कैश चला गया एक तरीके से, और 50,000, ठीक है। यानी जो एक्स को मैं इधर दिखा रहा हूं क्रेडिट साइड पर, ये क्या है, ये बैंक से एक तरह से पैसे जा रहे हैं ना, बैंक का कैश जा रहा है, बैंक का कैश क्रेडिट, बैंक का कैश क्रेडिट 80,000 से, बैंक का कैश क्रेडिट 50,000 से। तो ये 80,000 और 50,000 से कहां से पे किए आपके अकाउंट से, तो जाहिर सी बात है जब बैंक के पास आपका पैसा कम हो गया तो बैंक के ऊपर आपको पैसा करने की लायबिलिटी, जो पैसा वापस करने की लायबिलिटी में क्या आ गई, कमी आ गई। तो बैंक ने आपके अकाउंट टाइटल को डेबिट कर दिया 1,30,000 से। रिस्पॉन्स करें बेटा, यस और नो, बोलिए जवाब दें। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है, बैंक जो है वो वाई वाली पेमेंट शो नहीं कर रहा, जरा सोचिए। क्यों शो नहीं कर रहा, उसकी वजह सिंपल सी है कि वाई ने आपसे चेक तो वसूल कर लिया है, लेकिन वो चेक लेकर आपके बैंक तक पहुंचा ही नहीं है, ना उसने वो चेक क्लियर करवाया है। इसका मतलब क्या है, बैंक तो आपके अकाउंट को उस वक्त तक कम नहीं करेगा ना जब तक वाई आपका लिखा हुआ चेक लेकर बैंक ना पहुंचे, या अपने बैंक के जरिए आपके बैंक तक वो क्लियर करवाने के लिए वो चेक ना पहुंचाए। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। क्या कहता, सही है, मेरी बातें समझ में आ रही है? अच्छा, अब बैंक के और फंक्शन भी हैं, बैंक बतौर आपके एजेंट के तौर पे काम करता है। अच्छा ये बताइए, अक्सर और बेशतर जो रेगुलर पेमेंट्स होती हैं, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ठीक है, किसी क्लब का सब्सक्रिप्शन हो गया, जो ऐसी पेमेंट्स जो आपने करनी होती है रेगुलर इंटरवल्स पर, करनी होती कि नहीं करनी होती, रिस्पॉन्स है। उसमें अक्सर क्या होता है, बंदा लास्ट डेट भूल जाता है और वो
वो बोलता है यार लास्ट डेट अभी है, वो करते करते बात को लास्ट डेट पे जाता है और लास्ट डेट पे पेमेंट करना भूल जाता है, और इस तरह वो लास्ट डेट निकल जाती है, फिर उसको पेमेंट करनी पड़ती है डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस केस में बैंक आपको एक सर्विस देता है, इसको हम बोलते हैं ऑटो डेबिट सर्विस। क्या बोलते हैं? ऑटो डेबिट सर्विस। क्या बोलेंगे बेटा? ऑटो डेबिट सर्विस, स्टैंडिंग ऑर्डर सर्विस, इसके बहुत सारे नाम है, वो लिखवाता हूं बाद में आपको। ऑटो डेबिट सर्विस, स्टैंडिंग ऑर्डर सर्विस, ठीक है। तो उससे क्या होगा जनाब, आप फिक्स कर लें बैंक अपने, जैसे आपके पास ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन है तो उसमें आप बता दें भाई हर महीने मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल कर इतने पैसे कहीं और भेज दो। मिसाल के तौर पर आप अपने बेटे को अपने अकाउंट से, अपने बच्चे को या बेटे बेटी को जिसको भी अपने अकाउंट से मंथली पॉकेट मनी देना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली वो पॉकेट मनी एक सर्टेन डेट पे मिल जाए। आप अपने लैंडलॉर्ड को टाइम पर रेंट पे करना चाहते हैं तो वो रेंट प्रॉपरली आपके अकाउंट से निकल कर लैंडलॉर्ड के अकाउंट में पहुंच जाए टाइम पर। आप टाइम पर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना चाहते हैं ताकि उसमें देर ना हो, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपके अकाउंट से निकल कर आपके इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए ऑटोमेटिक। तो इस काम के लिए आपने बैंक से एक सर्विस ली होती है, उसको हम बोलते हैं ऑटो डेबिट सर्विस, या हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर सर्विस। यस और नो? फर्ज कर लें आपने इंश्योरेंस के लिए बैंक से एक सर्विस ली हुई है कि हर महीने बैंक आपके अकाउंट से 20,000 रुपए जमा करवा दे, कहां पर, आपके इंश्योरेंस अकाउंट। तो बैंक ने क्या किया, आपका अकाउंट टाइटल डेबिट कर दिया 20,000 से, और बैंक ने ये कैश पे कर दिया किसको? असल में जो मैं नीचे लिख रहा हूं इंश्योरेंस, ये असल में तो आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, बैंक के लिए तो सिर्फ क्या हो रहा है, कैश जा रहा है ना, बैंक के पास से जो कैश में कमी आ रही है, लेकिन ये आपके लिए पेमेंट किस वजह से हो रही है वो वजह मेंशन करनी, इंश्योरेंस स्टैंडिंग ऑर्डर। सही जी? अच्छा, आपने बैंक से चेकबुक इशू करवाई, आपने बैंक से एटीएम कार्ड इशू करवाया, तो बैंक, आपने बैंक से एसएमएस सर्विस ले ली कि भाई मेरे अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन है उसका एसएमएस मुझे आ जाए, सोन। तो इन तमाम काम के बैंक आपसे क्या लेगा, चार्जेस लेगा, और वो चार्जेस जैसे ही ड्यू होंगे बैंक आपको बताए बगैर आपके अकाउंट से वो माइनस कर लेगा। बैंक बोलेगा मेरा जो हक बनता है वो मैं आपके अकाउंट से खुद ही निकाल लूंगा, इसके लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। जवाब दें। तो बैंक ने आपके अकाउंट टाइटल को डेबिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आपसे लिए चार्जेस 5,000 रुपए, अकाउंट टाइटल डेबिट कर दिया, और बैंक चार्जेस क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। बैंक चार्जेस बैंक के लिए क्या है, इनकम हुआ ना, बैंक के लिए इनकम है, आपके लिए एक्सपेंस, आप अपने पास एक्सपेंस बनाएंगे। अच्छा जी, ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, आपने किसी कंपनी में शेयर्स लिए हुए, वो कंपनी आपको उन शेयर्स पर डिविडेंड देना चाहती है, डिविडेंड, यानी डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उससे को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। तो वो डिविडेंड लेने के लिए आपको वो डिविडेंड रिसीव करना होता है अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट, ठीक है जी। रिस्पॉन्स करें, तो बैंक ने वो डिविडेंड आपके बिहाफ पर रिसीव कर लिया, ठीक है जी।
अच्छा बैंक के लिए डिविडेंड नहीं है, बैंक के लिए तो कैश है, बैंक के पास तो पैसा आया है, डिविडेंड तो आपके लिए, आपको समझाने के लिए। तो बैंक के पास 10,000 रुपए आए जो कि उसने आपके अकाउंट क्योंकि आपके बिहाफ पर कलेक्ट किए, तो अकाउंट टाइटल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया आपका। अब आप मुझे बताइए कि जो कुछ भी हमने किया है क्या वो आपको समझ में आता है बेटा? तो इन शॉर्ट बात कर रहा हूं मैं भी आपके सामने। अब हमें क्या करना है, एक समरी बनानी है, जाहिर सी बात है। वो समरी क्या होगा, कैश बुक। तो कैश बुक जो होगी वो हमारे पास बनाएंगे, हम देखेंगे भाई हमारे हिसाब से हमारा बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, और फिर हम बैंक को बोलेंगे जरा स्टेटमेंट तो इशू करो। तो बैंक स्टेटमेंट आएगी आपके पास, और बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है आपका बैंक के हिसाब से, तो फिर दोनों को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे प्रैक्टिकली। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आप सबको? रिस्पॉन्स करें। चलें जी, अब आते हैं, हम तमाम पिछली ट्रांजैक्शंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, हाँ उस कैश बुक को एक टी अकाउंट की शक्ल में बना लेते हैं। मकसद तो वही है ना कि बैलेंस वर्कआउट करना, क्योंकि प्रॉपर कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है, हमने यहां लिखा कैश बुक, और कैश बुक का कौन सा कॉलम सिर्फ और सिर्फ, बैंक कॉलम। बताइए कैश बुक का कौन सा कॉलम बेटा, बैंक कॉलम। सही है। अच्छा जी, अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, हमने 2,00,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, तो 2,00,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था। यहां रेफरेंस किसका आया था, कैश का। रिस्पॉन्स करें बेटा, ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर हमने ये शो किया भाई कि हमें अपने कस्टमर से कलेक्शन हुआ ए से, बी से, सी से और डी से, जिसका इफेक्ट हम कहां ले जाएंगे, सेल्स लेजर में। ए से कितना कलेक्शन हुआ, दो लाख रुपए। बी से कितना कलेक्शन हुआ, 1.5 लाख रुपए। सी से कितना कलेक्शन हुआ, 1 लाख रुपए। और डी से कितना कलेक्शन हुआ, 50,000 रुपए। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। सही है। हमने पेमेंट दिखाई एक्स वाई और जेड को, और इस पेमेंट को हमने कहां रिकॉर्ड किया होगा, परचेज लेजर में अपने पास। अस्सी हजार, 70,000 और 50,000, ये ट्रांजेक्शन हमने अपने पास रिकॉर्ड किए, यही रिकॉर्ड किए ना भाई हमारे पास ट्रांजेक्शन। तीन ट्रांजेक्शन हमारे पास रिकॉर्ड हुई है अब तक, यस और नो, सब बताइए। अच्छा,
अब जरा आप मुझे निकाल दें इसका बैलेंस सीडी। ₹5 लाख। अच्छा ओके, तो 5 लाख का मतलब क्या हुआ? हमारा रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारे पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। हमारी कैशबुक क्या कहती है? हमारी कैशबुक ये कहती है हमारे पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। ₹5 लाख होने चाहिए, ऐसे ही है। अब देखते हैं बैंक क्या बोलता है। तो हम क्या मंगवाएंगे बैंक से? बैंक स्टेटमेंट। भाई देखें जरा बैंक का रिकॉर्ड क्या कहता है, यस और नो। तो बैंक वो आपको बैंक स्टेटमेंट बना के देगा, ठीक है। अकाउंट टाइटल, बैंक स्टेटमेंट। जब बैंक स्टेटमेंट एक मखसूस लेजर फॉर्म में बनती है, उस लेजर को हम बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। क्या बोलते हैं? सब जवाब दें, क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेल्फ है, अभी समझेगा जरा। टी भी टी अकाउंट ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्टाइल मुख्तलिफ है। तो अगर कभी एग्जाम में एग्जामिनर बोले भाई सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बना के दिखाओ, तो मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ कवर कर रहा हूँ, तो आपको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उसको यहाँ सिखा दिया है। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट, और यहां आ जाएगा बैलेंस। तो असल में जो बैंक स्टेटमेंट होती है, वो जिस बैंक स्टेटमेंट में जो आपका अकाउंट बैलेंस होता है, वो जिस टी अकाउंट जो जो अकाउंट फॉर्म में दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट या सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली आपको सिखा रहे हैं, इस चक्कर में सिखा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई बेटा? कि आपका अकाउंट खुला, बैंक ने आपके बिहाफ पे कैश वसूल किया। कितना कैश वसूल किया? ₹2 लाख। 2 लाख से आपका अकाउंट क्या कर दिया? बैंक ने क्रेडिट कर दिया। नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ योर अकाउंट? योर अकाउंट बैलेंस इज व्हाट? 200,000, यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स करना बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आपके बिहाफ पर बैंक ने पैसे कलेक्ट किए, ए से, बी से और डी से। तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया 2 लाख से। जवाब दें, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया 1.5 लाख से। बैंक ने आपके अकाउंट को क्रिएट किया 50,000 से, यस और नो?
तो जब आपके बैंक अकाउंट को बैंक ने क्रेडिट कर दिया 2 लाख से, तो 2 लाख और 2 लाख कितने हो गए, 4 लाख, बैलेंस 4 लाख हो गया आपका अकाउंट बैलेंस 4 लाख। फिर मजीद 1.5 लाख से क्रेडिट कर दिया तो आपका बैलेंस कितना हो गया, 5 लाख 50 हजार। फिर मजीद 50 हजार से आपको क्रेडिट किया तो आपका बैलेंस कितना हो गया, 6 लाख। यस और रिस्पॉन्स। फिर बैंक ने क्या किया, फौरी तौर पर जो डी का बैलेंस था वो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट किया था उसको फौरी तौर पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो डी क्रेडिट और डी डेबिट, इसका मतलब क्या हुआ, डी का चेक जो बैंक को मिला उसने कहा कि भाई मैं तो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देता क्योंकि मेरी तो नीयत साफ थी, लेकिन चूंकि हमें डी से पैसे क्लियर होकर मिले नहीं है तो जो बैलेंस हमने आपको बढ़ता हुआ दिखाया वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बैलेंस हमने बढ़ता हुआ इसलिए दिखाया कि हम अपनी नीयत शो कर रहे हैं कि हम तो आपके इस चेक को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो चेक आपका क्लियर हो नहीं सका, तो जो हमने क्रेडिट किया उसको हमने फॉरन क्या कर दिया, डेबिट करके कैंसिल कर दिया। यस और नो रिस्पॉन्स। तो अब आपका बैलेंस कितना हो गया डेबिट होने से, 5.5 लाख रुपए। तो क्रेडिट होने से बैलेंस वाले कॉलम में क्या होगा, इजाफा होगा, और डेबिट होने से बैलेंस वाले कॉलम में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। यस और नो रिस्पॉन्स दे दो मुझे आप सब लोग, क्या ख्याल है बताइए आप सब लोग। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन, बैंक ने पैसे वसूल किया एक्स से और जेड, पेमेंट करे, पेमेंट करवाई, चेक क्लियर हो, ठीक है, 80,000। और 50,000 जब 5,50,000 में से 80,000 क्या हुआ बेटा, माइनस हुए, तो बैलेंस क्या बचा, 4,70,000। जब 4,70,000 में से 50,000 और माइनस हुए बैलेंस क्या बचा, 4,20,000। बैंक स्टेटमेंट में जो कुछ भी डेबिट हुआ है वो डेबिट होने का मतलब क्या, आपके अकाउंट में कमी आई है, और बैंक स्टेटमेंट में जो भी क्रेडिट हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट जो है वो आपके अकाउंट का इजाफा है और डेबिट जो है आपके अकाउंट की कमी है। रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका भरपूर तरीके से। ठीक है जी, उसके बाद बैंक ने कुछ और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हुई अपने पास, अगर आपको याद हो जवाब दें। बैंक ने हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस की पेमेंट की हुई है, इंश्योरेंस स्टैंडिंग ऑर्डर, कितना बेटा, 20,000 रुपए। तो जैसे 20,000 रुपए डेबिट हुआ हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 4,00,000 रुपए। जवाब दें। अच्छा जी, बैंक ने बैंक चार्जेस लिए हुए, माइनस किए हुए, कितने बैंक चार्जेस थे, 5,000 रुपए लिए थे मैंने।
10,000 तो डिविडेंड था मेरे ख्याल से, बैंक चार्जेस 5,000 था। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा 395,000। और नंबर सिक्स, बैंक ने हमारे बिहाफ पर क्या कलेक्ट किया है? डिविडेंड कलेक्ट किया है। तो 10,000 से हमारा अकाउंट बढ़ा दिया है। ठीक है जी, और हमारे पास बैलेंस आ रहा है अब कितना? 4,05,000। ठीक है जी, अब इसको हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है बेटा। तो ये डेबिट और क्रेडिट को मैच कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, अब आप क्या करें, बैंक की टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन निकालें। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब 2 लाख प्लस 2 लाख, 4 लाख प्लस 1.5 लाख,